सब्सक्राइब कीजिए आवर एक्सेसिबल वर्ल्ड चैनल को और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। स्टॉप रिकॉर्ड विंडोज। दोस्तों आज आप जानेंगे कैसे आप जान सकते हैं अपने कंप्यूटर के बारे में। दोस्तों आपने कंप्यूटर ले लिया, आपको इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन जाननी है। आपने देखी होगी स्पेसिफिकेशन जानने के लिए अलग अलग वीडियो जिसमें अलग अलग तरीके बताए गए हैं, लेकिन एक्सेसिबल तरीके से आपको पूरी तरह से एक्सेसिबल तरीके से कैसे जाने इस चीज के बारे में कोई वीडियो आपको अभी तक नहीं मिली होगी। तो ये चीज हम जानेंगे कि हम अपनी विंडो के बारे में कि हमारी विंडो कौन सी है, प्रो है, विंडो होम है, विंडोज 10 है, 7 है, 8 है, 8.1 है, 32 बिट है, 64 बिट है, हमारी रैम कितनी है, सब कुछ, एनीथिंग एल्स, सब कुछ हम जान सकते हैं सिर्फ एक कमांड से। और यह है सब में वर्क करेगा, विंडोज 7 हो, 8 हो, 8.1 हो, 10 हो, 11 हो। तो और ये कमांड से आप बिल्कुल एक्सेसिबल तरीके से सारा कुछ पढ़ पाओगे। तो ये कैसे करना है आपको, आइए जानते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। मैं हूं आकाश, आप देख रहे हैं आवर एक्सेसिबल वर्ल्ड। चलिए शुरू करते हैं। विंडोज M। तो मैं डेस्कटॉप पर हूं इस समय, देख लीजिए। टाइटल इज डेस्कटॉप 1। तो अभी मैं जोस यूज कर रहा हूं और ये कमांड ये बिल्कुल आप जोस भी यूज करो, एनवीडीए यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको एक कमांड का यूज करना है और आपके सामने सारी डिटेल निकल के आ जाएगी। तो क्या करना है आपको, रन खोलना है। Windows R, run dialog, type the name। ये स्पीड ज्यादा है, मैं थोड़ा स्लो कर लेता हूँ। रन खोलने के लिए आपको विंडो के साथ R दबाना है। Slower, 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 slower। तो देखो रन खुला है। टाइटल ऐसे चेक करते हैं हम, री इंसर्ट टी से। टाइटल इज रन। देखो रन खुला। तो इसमें हमें लिखनी है एक कमांड, ध्यान से देखिएगा ये चीज। अगर आपने कमांड में गलती कर दी तो आप को रिजल्ट सही नहीं मिलेगा। तो कमांड बिल्कुल सही डालनी है यहाँ पर। यहाँ पे डालना है msinfo32। तो मैं डालता हूँ m, m for mic, s, s for sun, i for ink, i, n for national, n, f for fox, f, o for ox, o, और अब 32 डालना है, 3 मैथ वाला 3 और 2। तो ये डालने के बाद आपको सीधा दबाना है एंटर। Sinfo 32, enter, system information dialog, 313। देखो सिस्टम इंफॉर्मेशन, यहाँ पर मैं थोड़ा स्लो करता हूँ स्पीड आपके लिए। स्लो स्लो स्लोअर। देखो टाइटल इज सिस्टम इंफॉर्मेशन। सिस्टम इंफॉर्मेशन डायलॉग हमारे सामने खुल गया। तो हम टॉप से इसको बढ़ने में स्टार्ट करते हैं। ये हमारे सामने कैसे खुला है, दूर से सुनते हैं। आप सिस्टम इंफॉर्मेशन 313 व्यू सिस्टम। Slower, slower, slower। अब देखो, आपको जैसे इस पे आओगे तो ये बोलेगा सिस्टम इंफॉर्मेशन डायलॉग। तो सिस्टम इंफॉर्मेशन विंडोज M, सिस्टम इंफॉर्मेशन, टू मूव टू एन आइटम प्रेस द एरो कीज, सिस्टम इंफॉर्मेशन डायलॉग 313 व्यू सिस्टम समरी ओपन्स, थ्री आइटम्स टू मूव। तो ऐसे
से बोला सिस्टम समरी ओपन, तो आपको क्या करना है? स्लो स्लोअर, तो फिर से मैं स्लो कर रहा हूँ, थोड़ा तेज हो, फास्ट हो रहा है जोस। लिस्ट वन लिस्ट व्यू ओएस, आपको करना है सिर्फ टैब, खाली टैब करना है कि कमांड रन में कमांड लिखनी है, ओपन होने के बाद बोलेगा सिस्टम इंफॉर्मेशन डायलॉग, आपको करना है टैब और फिर बोलेगा सिस्टम सर्वे सिस्टम समरी ट्री व्यू। तो यहाँ पे सब ट्री व्यू में है, आप अप डाउन एरो से, जैसे ट्री व्यू में आप ट्री व्यू में नेविगेट करते हो, वैसे ही आपको यहाँ पर भी नेविगेट करना है। पर यहाँ पर सारी चीज क्या है, रीडिंग करने की है। देखो मैं डाउन एरो यूज करता हूँ क्योंकि अभी मैं सबसे टॉप पे हूँ, देखो मैं अप एरो कर रहा हूँ, कुछ नहीं है ऊपर, तो डाउन एरो कर रहा हूँ। Version 10.0.22000 build 2 OS name Microsoft Windows 11 Pro 1/42. देखो ये पहले बोला Win Version OS name Microsoft Windows 11 Pro 1/42. OS name मेरा Windows 11 है और Windows 11 Pro बता रहा है। Version 10.0.22000 build 22000 2/42. ये version है Windows का। Other OS description not available 3/42. ये other OS डिस्क्रिप्शन मतलब मेरे पास अदर कोई ओएस इसमें इंस्टॉल्ड नहीं है। ओएस मैन्युफैक्चरर माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन 4 सिस्टम नेम आकाश सिंगला सिस्टम मैन्युफैक्चरर लेनोवो 6/42 सिस्टम मैन्युफैक्चरर लेनोवो सिस्टम मॉडल 82C4 7/42 मॉडल भी आप जान सकते हो। सिस्टम टाइप x64 बेस्ड पीसी 8/42 ये सिस्टम टाइप x64 यानी 64 बिट का है जो मेरा पीसी है। System School Lenovo MT82C4 Blue Idea FMV14 Isle 9/42 कैसे जाने 32 बिट का है PC 64 बिट का है तो आप यहां से जान सकते हैं। देखो System Type X64 Based PC 8/42 अगर ये 32 बिट का होगा तो यहां पे लिखा आएगा System Type X86 यहां पे लिखा आएगा, यहां पर 64 लिखा होगा यानी 64 बिट का PC। System School Lenovo MT82C4 Blue Idea FMV14 Isle 9/42 Processor Intel R Core TMI31005G1 CPU at 1.20GHz 1190MHz 2 Core S 4 Logical Processor S 10/42 ये प्रोसेसर के बारे में सारी जानकारी भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। BIOS version / date Lenovo DKCN53WW3 SMBIOS version Embedded controller BIOS mode UEFI baseboard manufacturer यहाँ पे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी BIOS के बारे में, baseboard product LNVM आगे चलोगे RAM के बारे में भी जानकारी मिलेगी, baseboard version ODPK platform ROM mobile 18 secure boot state off 9 PCR7 configuration elevation require Windows directory C Windows 20 system directory C Windows boot device device hard disk volume 5 locale United Kingdom 24 hardware abstraction layer version equals 10.0.22 username Akash Singla Lenovo time zone India standard time 27/40 installed physical memory RAM 4.00 GB 28/42 Old physical memory ये RAM होता है, इसने लिखा भी बोला भी RAM total physical memory 3.80 GB 20 available physical memory 470 total virtual memory 8.5 available virtual memory 3.65 GB देखा हम यहाँ सारी जानकारी अपने PC ले सकते हैं। page file space 4.75 GB Page file C Pagify Kernel DMA protection on 30 Virtualization based security running 36 Virtualization based security required security property Virtualization based security available secure Virtualization based security services configured 39 Virtualization based security services running 40 of Device encryption support elevation required to view 41 A hypervisor has been detected Features Oh, sorry, I'm getting mil gayi आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में आप लोगों All Tab 4 Desktop तो तब तक के लिए बने रहिएगा और एक्सेसिबल वर्ल्ड के साथ टू प्रमोट एक्सेसिबिलिटी आप